let's start our new video. But Story Start Principal, don't forget to subscribe our channel. Thank you. बहुत जल्दी उठ गया था और सबसे पहला ख्याल इसे जंगकुक का आया और मुस्कुराया, फिर कुछ याद आया और उठ के बैठ गया। कल जंगकुक ने मुझे ब्रेकफास्ट कराया था और उसने मुझसे पैसे भी नहीं दिए थे। आज मैं कुछ बनवा के ले जाता हूँ, आई होप इसे पसंद आएगा। यहाँ इसे घर का खाना वैसे भी नहीं मिलता। हाँ यही ठीक रहेगा। वो बड़बड़ाता हुआ बेड से उठा और अपने मेड को कुछ बनाने के लिए कहा। जल्दी कर, नाश्ता बनवाने के चक्कर में तू लेट हो गया। ये ना हो कि जंगकुक तुझे मिले ही ना। वो ड्राइव करते हुए खुद से बातें कर रहा था। तेज जब बास्केटबॉल कोर्ट में आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी वो सोच रहा था कि पीछे से आने वाली आवाज से वो चौंक गया। तुम यहाँ कैसे? इसे सामने देखकर उसने शुक्र अदा किया। वो भी तुम्हें ढूंढ रहा था। इसे उसे सवालिया नजरों से देखा। तुमने नाश्ता किया? नहीं, बस जाने ही लगा था। कैसे बताऊं कि तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं, उसने दिल में कहा। वो मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप और नूडल्स लाया हूँ। मुझे बहुत पसंद है। चलो मेरे रूम में बैठ कर खाएंगे। हाँ रूम में? उसने हैरत से देखा। हाँ मुझे चेंज भी करना है और मेरे रूम में बाउल भी है तो हम आराम से खा लेंगे वहाँ पर। रूम पार्टनर जीवन है पर ना पूछो, सारी रात लड़कियों से बातें करता है और डेली सुबह कॉलेज के लिए लेट हो जाता है। पर है बहुत अच्छा। वो दरवाजा खोलकर अंदर आए तो पूरा कमरा ही बिखरा हुआ था और हमारे फ्लडी किंग घोड़े बेचकर सो रहे थे। तो तुम चेयर पर बैठो, मैं ये सब साफ कर देता हूँ अभी, उसने चीजें उठाते हुए तेको कहा। झोंकों ने लात मारकर जीवन को उठाया। कौन है? जंगकुक को देखकर उसे सांस आई। ओ भाई मसला क्या है तुम्हारे साथ? जंगकुक को सामने देखकर इसने पूछा। तो कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। तुम सच में मेरी नींद का दुश्मन हो। जंगकुक से बातें करते हुए अचानक उसकी नजर ताई पे पड़ी। ओ माय गॉड, तुम यहाँ कैसे? मुझे तो पहले ही शक था कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। जंगकुक ने इसकी बात पर एक थप्पड़ लगाया इसे। जालिम इंसान, सर तोड़ दिया मेरा। तो उठ रहे हो या? अच्छा अच्छा उठ गया। वैसे कई तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं नाश्ता लाया मेरे लिए, इसने तय को देखते हुए जवाब दिया। ओ अच्छा, बट वेट, मेरा नाश्ता? तुम जाकर अपने लिए खुद लो, ये मेरा और तय का है। तुम जैसे दोस्तों की जैसे ही दुनिया बदनाम है। इंतहाई मतलब इंसान हो तुम। क्या कहा, सिर्फ फिर से कहना। हाँ जंगकुक को गुस्से में देखकर वो वॉशरूम में भाग गया। डोंट माइंड हिम, ये ऐसा ही है, इसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। यू आर सच अ गुड बॉय, तय, इसने तय के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। ओह तय, तुम्हारे बाल कितने सॉफ्ट हैं, अपने हाथ से गालों पर रखे। तय तुम्हारे गाल, शो मी योर हैंड्स, इसे तय के हाथ अपने हाथों में लिए। तय तुम तो बहुत नाजुक हो। जंगकुक तो बहुत हैरत से उसकी नरम मुलायम स्किन को एडमायर कर रहा था पर इसके दिल की धड़कन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। ये फीलिंग इसे क्रेजी करने के लिए काफी थी। मुझे लगता है मुझे तुम्हारा और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, बातें करते हुए जंगकुक भूल ही गया था कि इसने तय का फेस अभी तक अपने हाथों में लिया हुआ है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे तभी पीछे से आवाज आई। वो माय पुअर हार्ट, यहाँ तो लवी टवी सीन चल रहा है। अभी तुम दोनों कहते हो कि तुम्हारे दरमियान कुछ नहीं है? हाँ 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 शट अप जीवन, अपने काम से काम रखा करो तुम, उसने गुस्से से कहा। फाइनली अब अपने डिपार्टमेंट में भी नजर आए, मुझे तो लगा था शायद शिफ्ट हो गए इंजीनियरिंग में, उसने इंतजी अंदाज में कहा। ओह हाय शिवा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ पर मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मेरा मतलब तुम रहने दो, तुम बस अपने स्टेटस का ख्याल करो और इन छोटे लोगों से दूर रहो, वो सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ हैं, समझे?
जंगकुक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है और बहुत सपोर्टिव है, उसने फौरन से कहा। जंगकुक इससे मिलोगे ना तो देखना, वो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। मुझे जैसे से मिलने का कोई शौक नहीं है, और तुम भी ऐसे लोगों से दूर रहो तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा, समझे तुम? ये कहकर वो वहां से चला गया। इसे क्या हो गया, ये सोचते वो भी वहां से चला गया। वो गुस्से में ड्राइव कर रहा था कि अचानक कोई इसकी कार के आगे आ गया। उसने फ्रंट ब्रेक पर हाथ लगाते हुए कहा, ओह शिट।